हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने जून मंथ की सैलरी स्लिप दिखाई थी और उसमें बताया था कि नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में मेरा फर्स्ट इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो उसके बाद की जो सैलरी होगी अपडेटेड सैलरी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो सके कि इंक्रीमेंट लगने के बाद में, फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी और हर बार हर साल आपकी सैलरी कितनी बढ़ती है, ताकि आप पूरी तरह से प्लान कर पाओ कि 5 साल 10 साल बाद हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो आज मैं आपको अपने जुलाई मंथ की सैलरी स्लिप के बारे में बताऊंगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, आई एम राहुल शर्मा, सेलेक्टेड ASO थ्रू CGL 19, एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप SSC MTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाली जो प्रैक्टिस वर्कबुक मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये है किरण पब्लिकेशन की बुक, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर दी हुई है। इसमें आपको सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे मिलेंगे, साथ ही साथ बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो भी SSC का लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से सारे क्वेश्चन आपको इसमें डिजाइन किए हुए हैं। बुक की जो सबसे खास बात है वो है इसके सॉल्यूशंस। एक बार आप इसके सॉल्यूशन देख लोगे तो उसके बाद में आपको कहीं दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ यहीं समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको अपनी जुलाई मंथ की जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है वो दिखाऊंगा। अगस्त में भी सेम ही सैलरी मिली है। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक पे इंक्रीज हो चुका है 46,200, जो कि पहले था 44,900, यानी 1,300 रुपये इंक्रीज हो गया। अब जो भी अलाउंसेज है वो इसी पर लगेंगे। सबसे पहले जो महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस, जो कि है अब 46%। लेकिन आप कहोगे कि ये तो सेम टू सेम जो पिछली सैलरी स्लिप में था वही है, लेकिन अभी जो इंक्रीज्ड DA है वो मिलना शुरू नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट मंथ में एरियर के रूप में हमें मिलेगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपको दिख रहा है उसमें 4% आपको इंक्रीज करना है, यानी DA ये 42% के हिसाब से है, तो हम 46% के हिसाब से देखेंगे तो जो है 19,404, उसमें आप 1,848 रुपये और ऐड कर लेना तो आपका हो जाएगा 46% DA। इसके बाद में TPT अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस जो मिलता है वो 3,600 मिलता है, और उस पर भी आपको DA मिलता है जो कि होगा 46%, लेकिन यहाँ पर 42% DA, यानी इसमें आप 144 रुपये और ऐड कर लेना। फिर HRA मिलता है आपका 27% एक्स सिटी में, वाई सिटी में 18 और जेड सिटी में 9%। इसके बाद में NPS में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको इसमें दिया हुआ है, आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हो उसका 140% गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है NPS अकाउंट में, और वो आपको पेंशन के रूप में बाद में मिलता है। तो ये है 9,185, जो कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है 6,560, इसका 140% है। तो इन सबको मिलाकर आपका टोटल बन जाता है 92,375, लेकिन उसमें आपको 1,992 रुपये जो कि 46% के हिसाब से है वो जोड़ने हैं, यानी आपको 2,000 रुपये और ऐड करने हैं, तो ये आपकी बन जाएगी 94,375। इसके बाद में जो आपके डिडक्शन है, CGIS है, सेविंग है, CGHS हेल्थ स्कीम का जो कटता है, फिर NPS, गवर्नमेंट मैच अकाउंट, ये सब कुछ इनकम टैक्स वगैरह कट के और आपका बचता है 72,825 रुपये। यही आपका नेट अमाउंट है जो कि आपको अपने अकाउंट में मिलेगा, लेकिन ये तो 42% के हिसाब से है, तो जो असल में है अमाउंट वो इसमें आप 2,000 रुपये ऐड कर लो, यानी टोटल हो जाएंगे 74,285। लगभग 75,000 आपको हर महीने मिलेगा। लास्ट मंथ से लगभग 3,500 से 4,000 रुपये आपके इंक्रीज हो गए हैं, यानी हर साल आपके 5,000 से 6,000 रुपये इंक्रीज होते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको लगभग 72,000-73,000 के लगभग आपको पैसे मिलेंगे, और धीरे धीरे 5,000 से 6,000 रुपये बढ़ते जाएंगे, और 5 साल बाद ही आप देखोगे कि आपका जो आपकी जो सैलरी है वो 1,00,000 से ज़्यादा हो जाएगी। तो धीरे धीरे इस प्रकार से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ, SSC CPO, SSC MTS जो नए नोटिफिकेशन निकले हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।